दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम। दोस्तों दोस्तों आज हम कथा का अगला भाग श्रवण करेंगे। दोस्तों हमारे कथाओं पर कम से कम 1,000 लाइक तो आज का टारगेट है, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा श्रवण करते हैं। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर जोड़ा था ना, अब क्या करोगे। एक बार देखने जाऊंगा पर कुछ दिन बाद मिजाज का हाल पूछूंगा। आदमी वहां से चला गया। भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तंबाकू रख कर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए झाड़े पाले में कौन जाएगा। अरे दोपहर ही होता तो मैं ना जाता, सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता। भूल नहीं गया हूं, मेरे बेटे की सूरत आंखों में फिर रही है। इस निर्दयी ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। क्या मैं न जानता था कि वह ना बचेगा। खूब जानता था। डॉक्टर प्रदीप भगवान नहीं थे कि उनके एक निगाह देख लेने से अमृत बरस जाता। नहीं, खाली मन की दौड़ थी। अब किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा, क्यों साहब, कहिए क्या रंग है। दुनिया बुरा कहेगी, कहे कोई परवाह नहीं। छोटे आदमियों में तो सब ऐब हैं, बड़े में कोई ऐब नहीं होता, सब देवता होते हैं। भगत के लिए यह जीवन का पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर वह बैठा रहा। 80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर पाकर वह दौड़ ना गया हो। माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, सावन भादों की चढ़ती हुई नदी और नाले, किसी की उसने परवाह ना की। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था। निस्वार्थ निष्काम लेन देन का विचार कभी दिल में आया ही नहीं था। यह वह काम ना था, जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था, सैकड़ों निराशों को उसके मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था। पर आज वह घर से कदम नहीं निकाल सका, यह खबर सुनकर सोने जा रहा है। बुढ़िया ने कहा, तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए हैं, देती ही नहीं थी। बुढ़िया यह कहकर लेटी। बूढ़े ने कुप्पी बुझाई, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत को लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय पर बोझे की भांति रखी हुई थी। उसे मालूम हो रहा था उसकी कोई चीज खो गई है, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं या पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। जैसे कोई उसके मन में बैठा हुआ उसे घर से निकालने के लिए कुरेद रहा है। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी। दोस्तों, बूढ़े बातें करते करते सोते हैं और जरा सा खटका होते ही जागते हैं। इसी तरह जब भगत उठा, अपनी लकड़ी उठा ली और धीरे से किवाड़ खोली। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो। कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है। अभी बहुत रात है, सो जाओ। नींद नहीं आती। नींद काहे आवेगी, मन तो डॉक्टर के घर पर लगा हुआ है। डॉक्टर ने मेरे साथ कौन सी नेकी कर दी जो वहां जाऊं। वह आकर पैरों पर पड़े तो भी ना जाऊंगा। उठे तो तुम इसी इरादे से ही। नहीं री, ऐसा पागल नहीं हूं कि जो मुझे काटे बोए उसके लिए फूल बोता फिरूं। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिया और फिर आकर बैठा। पर उसके मन की कुछ ऐसी दशा थी जो बाजे की आवाज कान में पड़ते ही उपदेश सुनने वाले की होती है। आंखें चाहे उपदेश की ओर हों, पर कान बाजे की ही ओर होते हैं। दिल में भी बाजे की ध्वनि गूंजती रहती है, शर्म के मारे जगह से नहीं उठता। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे युवक की ओर था जो इस समय मर रहा था। उसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे से कि बुढ़िया को खबर भी ना हुई। बाहर निकल गया। उसी वक्त गांव का चौकीदार गश्त लगा रहा था। बोला, कैसे उठे भगत, आज तो बड़ी सर्दी है, कहीं जा रहे हो क्या। भगत ने कहा, नहीं जी, जाऊंगा कहाँ, देखता था अभी कितनी रात है, भला कितने बजे होंगे। चौकीदार बोला, 1 बजा होगा और क्या। अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर प्रदीप के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना होगा, कीड़े ने छू लिया है, चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 1,000 तक देने को तैयार है। भगत बोला, मैं तो ना जाऊं,
चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर क्या करना है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला बैठा हुआ है? चौकीदार चला गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाए। जैसे नशे में आदमी की देह अपने काबू में नहीं रहती, पैर कहीं रखता है, पड़ता कहीं है, कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इस समय भगत का था। मन में प्रतिकार था, पर कर्म मन के अधीन ना था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई, वह इरादा करने पर भी तलवार नहीं चला सकता। उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खटखट करता लपकता चला जाता था। चेतना रोकती थी, पर उपचेतना ठेलती थी। सेवक स्वामी पर हावी था। आधी राह निकल जाने के बाद सहसा भगत रुक गया। हिंसा ने क्रिया पर विजय पाई। मैं यूं ही इतनी दूर चला आया, इस जाड़े पाले में मरने की मुझे क्या पड़ी थी? आराम से सोया क्यों नहीं? नींद नहीं आती तो ना सही, 2-4 भजन ही गाता। व्यर्थ इतनी दूर दौड़ा आया। डॉक्टर का लड़का रहे या मरे मेरी बला से। मेरे साथ उन्होंने ऐसा कौन सा सलूक किया था कि मैं उनके लिए मरूं? दुनिया में हजारों मरते हैं, हजारों जीते हैं, मुझे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? मगर उपचेतना ने अब एक दूसरा रूप धारण किया। जो हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था, वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा है। वह देखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का रोना पीटना देखेगा, किस तरह सिर पीटते हैं, किस तरह पछाड़े खाते हैं। वे लोग तो विद्वान होते हैं, सबर कर जाते होंगे। हिंसा भाव को यूं धीरज देता हुआ वह फिर आगे बढ़ा। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। डॉक्टर साहब का घर उजड़ गया। वही तो एक लड़का था। भगत के कान में आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई। थकान के मारे पांव ना उठते थे। शिरोभाग इतना बढ़ जाता था मानो अब मुंह के बल गिर पड़ेगा। इस तरह वह कोई 10 मिनट चला होगा कि डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थीं, मगर सन्नाटा छाया हुआ था। रोने पीटने की आवाज भी ना आती थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई? वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह इतना तेज कभी ना दौड़ा था। बस यही मालूम होता था मानो उसके पीछे मौत दौड़ी आ रही हो। 2 बज गए थे, मेहमान विदा हो गए। रोने वालों में केवल आकाश के तारे रह गए थे और सभी रो रो कर थक गए थे। बड़ी उत्सुकता के साथ लोग रह रहकर आकाश की ओर देखते थे कि किसी तरह सुधि हो और लाश गंगा की गोद में दी जाए। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा। किसी और दिन उन्होंने उस आदमी को दुत्कार दिया होता, मगर आज बाहर निकल आए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह, भौहें तक सफेद हो गई थी, लकड़ी के सहारे कांप रहा था। बड़े नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत पड़ गई है कि कुछ कहते नहीं बनता। फिर कभी आना, इधर 1 महीने तक तो शायद मैं किसी भी मरीज को ना देख सकूंगा। भगत ने कहा, सुन चुका हूँ बाबूजी, इसलिए आया हूँ। भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, मुर्दे को भी जिला सकता है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। डॉक्टर ने व्यथित स्वर में कहा, चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए, जो कुछ होना था हो चुका। बहुत लोग झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ बूढ़े पर दया आ गई, अंदर ले गए। भगत ने लाश को 1 मिनट तक देखा, तब मुस्कुरा कर बोला, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, यह नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठकर बैठेंगे। आप नाहक दिल छोटा कर रहे हैं, जरा कहारों से कहिए पानी तो भरें। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। पाइप बंद हो गया था, कहारों की संख्या अधिक ना थी, इसलिए मेहमानों ने अहाते के बाहर के कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया। मीना कलसा लिए पानी ला रही थी। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था, मानो विजय उसके सामने खड़ी है। जब एक बार मंत्र समाप्त हो जाता, तब वह एक जड़ी कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितनी बार भगत ने मंत्र फूंका। आखिर जब कैलाश की मां ने अपनी लाल आंखें खोली, तो कैलाश की भी लाल लाल आंखें खुल गईं। एक क्षण में
उसने अंगड़ाई ली और पानी पीने को मांगा। डॉक्टर ने दौड़कर अपनी पत्नी को गले लगा लिया। पत्नी दौड़कर भगत के पैरों पर गिर पड़ी और मीना कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे पूछने लगी, अब कैसी तबीयत है? एक क्षण में चारों तरफ खबर फैल गई। मित्रगण मुबारकबाद देने आने लगे। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से हर एक के सामने भगत का यश गाते फिरते थे। सभी लोग भगत के दर्शनों के लिए उत्सुक हो उठे, मगर अंदर जाकर देखा तो भगत का कहीं पता ना था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे। हम लोग तंबाकू देने लगे तो नहीं ली, अपने पास से तंबाकू निकालकर भरी। यहां तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और भगत लपका हुआ घर चला जा रहा था कि बुढ़िया के उठने से पहले पहुंच जाऊं। जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने अपनी पत्नी से कहा, बुढ़ा ना जाने कहां चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी ना पिया उसने। डॉक्टर की पत्नी बोली, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। डॉक्टर बोला, रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ हो जाने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेलने जा रहा था और मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। अब उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा करवाऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए ही हुआ है। उसके सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। दोस्तों, आपको इस कथा से क्या शिक्षा मिली? अपने विचार और सुझाव कमेंट में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।